हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हितेश और आज मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ, वो है जीरो शाइन मोल्डिंग क्ले बी ब्लंट की। अब मैं बता देता हूँ ये कितना पैक है। ये है 40 ग्राम्स का पैक, जो मेरे को पड़ा था 203 रुपीज़ का। ऑल दो इसका प्राइस 250 है, मेरे को 203 रुपीज़ का इसलिए पड़ा था क्योंकि मैंने इसको नायका से ऑर्डर किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ इसके पीछे लिखा क्या है। इसके पीछे लिखा है कि प्रोवाइड्स इनक्रेडिबल टेक्सचर, फ्लेक्सिबल होल्ड एंड एन एक्सट्रीम मैट फिनिश। जो बातें इसके पीछे लिखी हैं और जो ये क्लेम कर रहा है ना, वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बिकॉज मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने वैक्स भी यूज़ की है, वैक्स से मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि वैक्स के बाद ना होल्ड इतनी देर नहीं रहते बाल, और उसके बाद ना गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्ले के साथ वो नहीं होता है, हमें होल्ड लास्ट करता है ऑलमोस्ट 6 to 7 hours। मैं और मेरे फ्रेंड हैं वो इसको ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते हैं हम, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है इसको। अब मैं बताने वाला हूँ कि स्टाइलिंग के लिए आप इसको कैसे यूज़ कीजिए। स्टाइलिंग के लिए आप हेयर मूव्स अप्लाई कीजिए, जिसके लिए मैं वीडियो कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जब आप मूव्स लगा लेंगे, सबसे एंड का स्टेप होता है क्ले को यूज़ करना। क्ले को लीजिए, इवनली अपने हैंड्स में स्प्रेड कर लीजिए, उसके बाद अपने हेयर पे लगाइए और स्टाइल कर लीजिए। उसके बाद ना ब्लो ड्राई कीजिए ना कुछ कीजिए, उसके बाद बस वहीं पे छोड़ देना है अपने हेयर को, कुछ और नहीं करना है। और उसके बाद दोबारा टच नहीं करना है, पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल टच नहीं करना है। एक बार जब आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद टाइम दीजिए प्रोडक्ट को होल्ड करने का, और विद इन 15 to 20 minutes आपके बाल रेडी हो जाएंगे और नहीं हिलेंगे। इसके बाद चाहे डांस करो, कुछ करो, नहीं प्रॉब्लम होगी कोई। तो प्लीज़ अपने हेयर को टच मत करना इसको लगाने के बाद। अगर टच करोगे, मैंने वो फेस किया है, मैंने एक बार टच कर दिया था 2-3 बार, सारा प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाता है और बेकार हो जाते हैं एकदम, कहीं अच्छे नहीं लगेंगे फिर। तो अब मैं इसको बताने वाला हूँ इसकी पैकेजिंग के बारे में। मैंने इसके दो पैक यूज़ करे हुए हैं, मेरे को 2-2.5 साल हो चुके हैं बी ब्लंट का क्ले यूज़ करते हुए। पहले मैंने जब लिया था वो था 15 ग्राम का पैक, जो मेरे को मिला था 115 रुपीज़ का। उसके साथ मेरे को प्रॉब्लम ये हुई थी कि एक तो वो कॉस्ट ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तभी मैंने ये पैक मंगाया। ये 40 ग्राम का पैक है, ऑलमोस्ट लास्ट करेगा। अगर डेली यूज़ करता हूँ तो मेरी यूसेज के हिसाब से डिपेंड करता है, कितना महीना भी कर सकता है, 1.5 महीना भी कर सकता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ स्टाइलिंग यू पे यूज़ करने वाले हैं तो आपका तो काफ़ी लास्ट लॉन्ग कर ही जाएगा पैक, अच्छा चलेगा। जेल के बारे में बात करता हूँ कि हम जब भी स्टाइलिंग की बात करते हैं तो जेल सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाँ जेल ले लो, ये ले लो। जेल के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ना ग्रीसी और स्टिकी हो जाता है, और जेल का होल्ड इतनी देर लास्ट नहीं करता। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेल से आपके बाल 7-8 घंटे लगे टिके रहें वैसे के वैसे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जेल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये, और ज़्यादा डैमेज नहीं होता इनसे हेयर का, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर रहते हैं हेयर के लिए। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।